आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इंस्ट्रूमेंटेशन के किसी भी मेजरिंग डिवाइस में जो उसके आउटपुट निकाला जाता है वो जो है 4 to 20 मिलियम्स क्यू रहता है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद तीन ऐसे रीज़न बताऊंगा जिसके वजह से 4 to 20 मिलियम्स आउटपुट को निकाला जाता है। वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है एज ए इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर आपके पास कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो गाइस इंस्ट्रूमेंटेशन के जो भी मेजरिंग डिवाइस होते हैं उस मेजरिंग डिवाइस में एक सेंसर होता है जो फ्लो प्रेशर और टेम्परेचर को जो है सेंस करता है। वो सेंसर 1 to 5 वोल्ट जो है जनरेट करता है और उसके बाद हमारे जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन है उस इंस्ट्रूमेंटेशन में एक जो है ट्रांसड्यूसर यूज़ किया जाता है और उस ट्रांसड्यूसर में गाइस 250 ओम का रेजिस्टेंस रहता है। अब गाइस अगर हम लोग ये रेजिस्टेंस और वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास करंट आ जाएगा और ये ट्रांसड्यूसर के आउटपुट से जो है करंट को निकाला जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसे तीन कौन से रीज़न है जिसके वजह से 4 to 20 मिलियम्स यूज़ किया जाता है। तो गाइस सबसे पहले तो ये जो आउटपुट 4 to 20 मिली एम्स यूज़ किया जाता है यानी कि करंट। तो करंट का एक प्रॉपर्टी है कि ये सीरीज़ में अगर कहीं भी जुड़ा हुआ है तो ये जो है कभी भी ड्रॉप नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग ये मिली एम्स ना लेकर के मिली वोल्ट अगर ले जाते तो क्या होता कि ये वोल्टेज जो है सीरीज में बहुत ड्रॉप हो जाता है जिससे कि हमें आउटपुट नहीं मिल पाता सही। लेकिन ये जो करंट है ये करंट जो है एकदम बहुत बढ़िया आउटपुट मिलता है, कहीं भी जो है ड्रॉप नहीं होता है, जो कि एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है। दूसरे रीजन को मैं थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ। सपोज मान लीजिए गाइस कि डक्ट से एयर का प्रेशर जो है फ्लो हो रहा है, प्रेशर हमारा 0 PSI से 30 PSI है। सपोज मान लीजिए ये मिली एम्स जो है 4 to 20 मिली एम्स ना लेकर के अगर हम लोग 0 to 16 मिली एम्स लेते हैं तो क्या दिक्कत होता कि अगर हमारे अभी फ्लो जो है नॉर्मल है यानी कि नॉर्मल कंडीशन में तो हेल्दी दिखलाना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग ये मिली एम्प्स को 0 पकड़ के कंसिडर करेंगे तो उस टाइम जो है कोई भी करंट उससे फ्लो नहीं होगा, जिसके वजह से हमारे PLC में वो सिस्टम हेल्दी है या फिर नहीं है वो समझ में नहीं आएगा। और इसी में जो इंजीनियर बैठे रहेंगे उसे भी समझने में बहुत दिक्कत आएगा, उसे भी लगेगा कि कहीं पर वायर ब्रेक हो गया है जिसके वजह से ये हेल्दी नहीं दिखला रहा है। हम लोग 0 mA से स्टार्ट करते तो ये प्रॉब्लम होता, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है 4 mA से स्टार्ट किया जाता है। हमारा प्रेशर 0 PSI रहेगा तो उस टाइम वो 0 को कंसिडर कर दिया जाता है 4 mA से, या कोई भी फ्लो नहीं रहेगा तो हमारे सिस्टम में जो है 4 mA दिखलाएगा और हमारा सिस्टम जो है हेल्दी रहेगा। तो हमें समझ में आ जाएगा कि आगे हमारा वायर जो है कहीं भी ब्रेक नहीं है, बिल्कुल जो है सही से चल रहा है। इसलिए ये दूसरा रीज़न है जिसके वजह से हम लोग 4 to 20 मिलियम्स का यूज़ करते हैं। मैं आपको बताता हूँ तीसरा रीज़न क्या है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो मिली एम्स है इसे हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है बहुत आसानी से ले जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि मिनिमम कितना दूरी तक ले जाया जाता है, 1 किलोमीटर के एरिया तक जो है कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी जो है ये ड्रॉप नहीं होता। एक लॉन्ग डिस्टेंस पे जाने के बाद भी हमें एक अच्छे से आउटपुट मिलता है। तो गाइस अभी मैंने आपको जो तीन रीज़न बताया और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताया, रीज़न है 4 to 20 मिलियम्स यूज़ करने का किसी भी इंस्ट्रूमेंटेशन के डिवाइस पे। तो गाइस अगर आपको मेरे बताने का टेक्निक पसंद आ रहा है तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोज़ हैं उसकी अपडेट बहुत आसानी से पहुँच। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।